अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस प्रभारी उत्तराखंड व भावी मुख्यमंत्री कुमारी शैलजा जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव व सांसद श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी व पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन जी, विधायक कालका प्रदीप चौधरी ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार एससी और बीसी वर्ग के आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर की नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने से इसकी शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा जजपा सरकार लगातार दलितों, पिछड़ा वर्ग और गरीबों पर हर रोज हमला बोल रही है। यूजीसी द्वारा एससी बीसी एसटी के आरक्षण को खत्म करने से लेकर अब तक 3 लाख एससी बीसी बीपीएल के स्कूली बच्चों का वजीफा तक लटका कर गरीबों के साथ भद्दा मजाक किया गया है। असलियत में भाजपा जजपा का डीएनए ही गरीब विरोधी है। इसराइल में गोली से मर जाओ तो ठीक है, बजाय यहां भूखे पेट मर जाओ। जो सरकार मेरे बुजुर्गों और भाइयों, जो सरकार आपको यह मजबूर कर दे कि हमारे बेटा और बेटी 20,000 की नौकरी के लिए विदेश मरने के लिए जाने पर मजबूर, पार्टी के सीनियर नेता हरियाणा में मंत्री रहे, वर्तमान में राज्यसभा सांसद भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व सीपीएस, आप सब के जाने माने नारायणगढ़ से। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।